हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी की राजधानी लखनऊ में शादी की खुशियां उस वक्त मातम और चीख पुकार में बदल गई जब स्टेज पर सजी धजी दुल्हन अचानक मौत के मुंह में समा गई। दुल्हन ने अपनी नई जिंदगी में अभी पहला कदम रखा ही था। स्टेज पर मौजूद अपने जीवन साथी को दुल्हन ने वरमाला पहनाई ही थी, अभी खुशियों ने उसके जिंदगी में दस्तक दी ही थी कि तभी दुल्हन के दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। दुल्हन अचानक स्टेज पर गश्त खाकर गिर पड़ी, जिसके बाद उसके घर वाले तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दुल्हन को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि हार्ट अटैक ने उनकी बेटी की जिंदगी की डोर को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात लखनऊ के भदवाना के रहने वाले राजपाल की बेटी शिवांगी की शादी थी। लड़की के परिवार वाले बारात आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं सजी धजी दुल्हन का जोड़ा पहने शिवांगी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए रिश्तेदारों की लंबी लाइन लगी हुई थी। देर रात राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर से मलिहाबाद बारात पहुंची। बारात दरवाजे पर पहुंची तो सभी के चेहरों पर खुशियां थी। नाश्ते के बाद जब द्वार पूजा शुरू हुई तो जनातियों की आवभगत से बाराती खुशी से झूम रहे थे। माहौल खुशनुमा था, दोनों तरफ से हंसी ठिठोली खूब चल रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। दूल्हा वरमाला लिए स्टेज पर अपनी दुल्हनिया का इंतजार कर रहा था। उधर दुल्हन भी अपनी सखी सहेलियों के साथ लाल जोड़े में अपने हाथों में वरमाला लिए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंचती है, वर और वधू दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, तभी अचानक दुल्हन शिवांगी बेहोश होकर स्टेज पर गिर जाती है। यह देख अफरा तफरी मच जाती है। वहां आसपास मौजूद परिजन तुरंत ही दुल्हन शिवांगी को उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। यहां पर डॉक्टर दुल्हन की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। दुल्हन की मौत के बाद तो दोनों परिवारों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। चंद मिनटों में ही सारी खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। जहां कुछ देर पहले तक हंसी ठिठोली हो रही थी, नाच गाना हो रहा था, वहां एकदम से चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरा गांव मातम में डूब गया। इस दुखद घटना से दुल्हन की माँ कमलेश कुमारी, छोटी बहन सोनम, भाई अमित, कोमल सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि शिवांगी की शादी से 15 से 20 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी। उसे बुखार हुआ था, जिसके बाद उसे डॉक्टरों को दिखाया गया था तो डॉक्टरों ने शिवांगी का ब्लड प्रेशर लो बताया था। डॉक्टरों की दवाई के बाद शिवांगी एक हफ्ते पहले ही ठीक हुई थी। इसके बाद अचानक शादी के दिन भी सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे मलिहाबाद CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद शिवांगी के ब्लड प्रेशर को लो बताया था। डॉक्टरों के दवा देने के बाद जब शिवांगी का BP सामान्य हो गया तो उसे घर लाया गया और रात को वरमाला के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से लोग स्तब्ध हैं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से कैसे शिवांगी की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, यू न्यूज़, UP।